ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे देवसेनी एकादशी 2022 व्रत कब रखें, पारण का शुभ मुहूर्त विधि, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हर माह में दो एकादशी व्रत पढ़ते हैं और सभी का अपना अलग अलग महत्व होता है। देवसेनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों में विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने पर कोई पाबंदी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं 2022 में देवसेनी एकादशी व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत विधि व्रत क्या खाकर खोलें, उपाय और देवसेनी एकादशी व्रत कथा क्या है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं देवसेनी एकादशी व्रत तिथि के बारे में। देवसेनी एकादशी व्रत 10 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जुलाई शाम 4:39 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जुलाई दोपहर 2:13 पर। पूजा का सबसे शुभ अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:36 से 12:31 तक और साथ ही सर्वार्ध सिद्धि योग मुहूर्त होगा सुबह 5:15 से 9:55 तक। एकादशी के पारण का समय होगा 11 जुलाई सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक। पारण के दिन हरिवासर समाप्ति का समय होगा 11 जुलाई सुबह 11:13 पर। आइए जान लेते हैं देवसेनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। देवसेनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई और नित्य कर्म के बाद स्नान करें। इसके बाद पूरे घर व पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव कर शुद्ध करें। घर में मंदिर या घर की उत्तर दिशा पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का शोभसोपचार विधि से पूजन करें और भगवान विष्णु को पीताम्बर वस्त्र से सुसज्जित कर चंदन का तिलक करें, पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद केले, तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद देवसेनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। देवसेनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने तक क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। ऐसे में रात्रि के समय भगवान श्री हरि को विधिवत इस मंत्र सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमप सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धच्च जगत सर्व चराचरम के साथ सुराना चाहिए। आइए जान लेते हैं व्रत क्या खाकर खोलें। व्रत खोलने या पारण एकादशी के व्रत को समाप्त करने को कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि व्रती को भगवान श्री हरि को भोग लगाकर पंचामृत को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा पारण के दिन फल, आंवला और पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं देवसेनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। देवसेनी या हरिसेनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शयन कराने से पूर्व पीले फल, पीली मिठाई का भोग, तुलसी पत्र या तुलसी दल डालकर अवश्य लगाएं। धन की इच्छा रखने वाले जातकों को इस दिन श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीली हल्दी या पीली कौड़ियां अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु केले के पौधे में निवास करते हैं। जो भी जातक गुरुवार और एकादशी को केले के पेड़ में हल्दी मिला जल अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जान लेते हैं देवसेनी एकादशी व्रत कथा के बारे में।
पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में माध्यांता नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। राजा माध्यांता तीनों लोकों में बहुत प्रख्यात थे। वह अपनी प्रजा को समर्पित थे और उनके लिए ही कार्य किया करते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल की समस्या आ खड़ी हुई, जिसकी वजह से परिस्थिति बेहद नाजुक हो गई और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। स्थिति का पता चलते ही और अपनी प्रजा को परेशान देखकर राजा इस संकट का समाधान खोजने के लिए अपनी सेना को लेकर वन में गए, जहां उन्हें ऋषि अंगिरा मिले। राजा माध्यांता ने ऋषि अंगिरा को अपनी समस्या सुनाई और उसका हल मांगा, जिसके बाद ऋषि अंगिरा ने राजा माध्यांता को देवसेनी एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए उन्हें इस व्रत को करने का सुझाव दिया। ऋषि अंगिरा की बात मानकर राजा माध्यांता ने यह व्रत किया, जिसके फल स्वरूप उनके राज्य में वर्षा होने लगी और प्रजा अकाल से बच गई। तभी से ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने वाले जातकों के सभी पाप दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री हरि।